हाँ जी, एक और बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे 200 लाइक्स करोगे, बेसिकली ये खजाना मेरा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रभजोत सिंह। आई होप तुम सारे बहुत बढ़िया होगे। आई एम ऑल्सो गुड। वीडियो में क्लिक करके आए हो तो आपको पता ही है वीडियो किस रिगार्डिंग है, हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज, गोप्रो फोन और DSLR। अभी एक थोड़ा सा मिथ बना के रखेंगे, एक खुलासा भी करना है इस वीडियो में। थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको खुलासा भी कर ही देंगे। मेन टाइटल पे आते हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में आए हो, तो आज का वीडियो का टाइटल ये है, हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज। तो मैं बताता हूँ कि मैं शूट करता हूँ फोन से। वो कैसे, फोन से भी मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करता हूँ। जो मेरी यूट्यूब वीडियोज होती हैं वो ऐसे शूट होती हैं, फोन एंड दिस बोया माइक, ठीक है। तो और जो मेरी मोटो व्लॉगिंग्स होती हैं वो होती हैं अब GoPro से, GoPro Hero 7, जो कि मैंने लॉकडाउन से पहले ही परचेज किया था। तो नहीं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में तो मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है तो मेरा चैनल स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। जैसे कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करते हो, आप देखते हो मेरी वीडियोस, एडिटिंग्स वगैरह देखते हो, मुझे कमेंट करते हो कि भैया आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो यार, जो जो भी मेरी वीडियो पे कमेंट करता है, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। और अब मैं अब से मैं क्या करा करूँगा, जो मुझे कमेंट अच्छा लगा करेगा, वैसे तो मैं हर कमेंट को हार्ट एंड लाइक करता ही हूँ, अब मैं हर वीडियो जो मुझे कमेंट अच्छा लगा करेगा ना, वो मैं स्क्रीनशॉट लगा के यहाँ पे वीडियो में भी दिखा देगा, जैसे मैं पहले करता था। तो थोड़ा एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं अब ये वाला, अगर व्यू ठीक है तो इसी बात पे कर दो वीडियो को लाइक। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप की स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है। अब मैं करता हूँ तो व्लॉग रिकॉर्ड GoPro से। GoPro से मैं कैसे करता हूँ, ये है मेरा मोटो व्लॉग का सेटअप। बेसिकली मैं टर्बन पहनता हूँ, तो आई प्रेफर कि मैं टर्बन पहन के ये पबजी वाले मास्क से ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा, पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता था मोबाइल से। और एक जो खुलासा करना, थोड़ा सा आगे चल के करते हैं, अभी आप देखो थोड़ा सा वीडियो में बने रहो, आपको पता लगेगा। तो पहले मैं करता था मोटो व्लॉग भी अपने मोबाइल से। इधर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक वीडियो क्लिप नज़र आएगी और लिंक भी दे दूँगा, जो प्रीवियस वीडियो जिसपे मैंने स्टार्ट किया था, तो वो भी देख लेना आप। तो पहले मैं करता था ऐसे व्लॉग, वो जैसे फिर धीरे धीरे अपग्रेड करना ही होता है। तो GoPro Hero 7 परचेज किया मैंने, GoPro Hero 7 मुझे अच्छी डील मिल गई, तो मैंने GoPro Hero 7 परचेज किया, प्रॉपर सेटअप बनाया, GoPro की किट लेके आया। चांदनी चौक का व्लॉग इधर लिंक में आएगा, वो देख लेना। तो वो भी व्लॉग बहुत बढ़िया बना, आपका इतना अच्छा सपोर्ट आ रहा है, 7,500 व्यूज़ भी हो गए हैं उसके ऊपर, बल्कि अब अपग्रेड जा ही रहे हैं। वहाँ से मैं लेके आया था वो भी व्लॉग की किट, फिर मैंने प्रॉपर ये बनाया। अब मैं प्रॉपर जो भी व्लॉग मोटो व्लॉग करता हूँ, मैं करता हूँ सारे यही मास्क लगा के और ये GoPro लगा के। इसमें लगाना बड़ा पंगे वाली बात होती है, क्योंकि बेसिकली ये वाला माइक है, इतनी लंबी तार है इसकी, इसको छुपाना, इसको अड़ाना ही बहुत पंगे वाला काम होता है। तो वो मैं कैसे करता हूँ, वो ये देखो, इधर ये सारा माइक की सारी तार आ जाती है और इधर माइक आ जाता है, और यहाँ से निकल के अपने GoPro में अटैच हो जाती है, फिर ये अपना सेटअप बनता है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ GoPro से अपना मोटो व्लॉग्स रिकॉर्ड। तो आप सपोर्ट करते ही, आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि सारा कुछ कैसा है मेरा, और आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना बढ़िया प्यार करते हो, आप कमेंट्स करते हो कि भैया आपकी एडिटिंग ये वो जैसे भी है, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, आपका सपोर्ट मिलता है, आप मोटिवेट करते हो मुझे कमेंट्स करके, तो उसी से मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं मोटिवेट होता हूँ बढ़िया बढ़िया वीडियो में और एडिट करके करना। और खुलासे की रही बात, खुलासा भी मैं खोल देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं करता हूँ साइड पे, उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं किट की बात कर रहा था ना, बेसिकली ये खजाना मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है इस दराज में, ये मैं किट लेके आया था। आधी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, आधी चीज़ें नहीं होती। और ये रहा अपना GoPro का बैग, ये रहा फास्ट चार्जिंग का, GoPro की 2-3 बैटरीज एक GoPro में डाली हुई है, इसी से मैं चार्ज करता हूँ। ये सारी इस चीज़ की अगर आपने वो देखनी है, वो देखना, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, उसमें सारा कुछ पता लगेगा आपको।
और जो मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करता हूँ वो मेरा सेटअप है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो अब आप देख रहे हो जो मैं नॉर्मल व्लॉगिंग करता हूँ वो आप GoPro में देखो, GoPro में थोड़ी क्वालिटी ऐसी आती है, इस वजह से मैं रेगुलर ज़्यादातर इससे नहीं करता, इससे करता हूँ। तो ये मेरा व्लॉग सेटअप कुछ इस तरह का है, ये गोरिल्ला पॉड है जो मैंने 550 का लिया था, और ऐसे ही मेरा फ़ोन लग जाता है, और ये रहा मेरा माइक जो बोया MM1 है, पता नहीं ये जो इसके धागे हैं ना, ये चूहे के बाल जैसे, तो ये सही है, इससे साउंड रिकॉर्डिंग जो है बाहर की वो जो एक्स्ट्रा साउंड जो होती है वो छिप जाती है। तो ये है मेरा बेसिक सेटअप, अभी मैं DSLR से मैं नहीं रिकॉर्ड करता, अभी मैं फ़ोन से करता हूँ। तो जैसे भी आप वीडियो को सपोर्ट करते हो, चलो एक मिनट स्टेप चेंज करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आपने देखा जो मेरा रेगुलर सेटअप है वो मेरा फ़ोन ही है। पहले मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट जब मैंने की थी ना, वो भी मेरे पास फ़ोन अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो दिखा देता हूँ। ये सैमसंग का J7 प्राइम फ़ोन है, टूटा हुआ है, मैंने संभाल के इसलिए रखा है कि जब मेरा YouTube स्टार्ट हुआ था तो मैंने इस फ़ोन से व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। फिर मैंने अपग्रेड करके फ़ोन पोको का ले लिया था, पोको F1, जो कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा मुझे। एडिटिंग भी मैं करता हूँ भाई अपने फ़ोन से, पहले मैं एडिटिंग करता था सैमसंग J7 प्राइम से, तो अब मैं एडिटिंग करता हूँ अपने फ़ोन से पोको F1, तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा मुझे, मेरी एडिटिंग सारा काम मेरा इसी से निपट जाता है, बढ़िया तरीके से सारी एडिटिंग वगैरह हो जाती है। मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन से सारी एडिटिंग करता हूँ अपने व्लॉग्स की, जिसको आप इतना सारा प्यार करते हो। यही था एक छोटा सा खुलासा, कुछ जो मेरे प्रीवियस जो शुरू से मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता है कि मैं फ़ोन से ही सारा कुछ बनाता हूँ, वीडियो शूट भी फ़ोन से करता हूँ और एडिट भी फ़ोन से ही करता हूँ। जो अब नए भाई जो नई फैमिली बनी है पीजे सिंह की फैमिली में आए हैं, तो उनको बताना मेरा फ़र्ज था कि हाँ अभी मैं इसी से व्लॉग करता हूँ, सारा शूट इसी से करता हूँ, एडिटिंग भी मेरी इसी से है, और आने वाले टाइम में भी मैं थोड़ा अपग्रेड करूँगा, जैसे कि अब रेगुलर सेटअप जो होगा फिर मैं फिर DSLR वगैरह देखूँगा। तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है यार कैमरा की, बट जितनी भी नॉलेज है, और एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो भाइयों, 30,000 रुपये मत खर्च लेना पहले आप सेटअप स्टार्ट करो, जैसे कि मेरा रेगुलर जो मैंने पहले मोटो व्लॉग जैसे मैं करता था, फ़ोन से स्टार्ट करो, अपना हाथ बैठाओ, आपका हाथ बैठ जाए, आपको समझ आ जाए हाँ कि हाँ व्लॉगिंग ईजी मैं कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करके अपना जैसे मर्जी बढ़िया सा करो। बाकी ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार, पैसे होने भी आज की डेट में बहुत वो है कि आप सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप बढ़िया गैजेट से अगर वीडियो बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका रिस्पांस बढ़िया आएगा ही, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन स्किल्स कि आपके अंदर स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी रीज़न करके वीडियो पसंद आई है और आपको यूज़फुल लगी है, और किसी को अगर आप रिकमेंड करना चाहो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करके जाना, कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ मैं गलत बोल दी। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दो, डिसलाइक भी आपके लिए ही है यार, वीडियोज़ में डिसलाइक तो आते ही आते हैं ना, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे 200 लाइक्स करोगे और बढ़िया कमेंट्स आएंगे तो अगली वीडियो जो होगी उसके ऊपर मैं शॉर्ट आउट ज़रूर दूंगा, जैसे कि मैं पहले करता था, ठीक है। और खुलासे वाली बात रही, खुलासा फ़ोन से एडिटिंग करना इट इज़ ईजी एज वेल, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलेंगे इसी टाइप की किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, प्रभजोत सिंह, बाय बाय। यहाँ पे ठीक है, तो इसी बात पे कर दो वीडियो को लाइक, वीडियो यार यहाँ पे ठीक है, चलो अगर ठीक है तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक। पीछे मैंने चला दिया लैपटॉप।